अनामियम के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। अब जबकि ठंड का मौसम आ गया है, काफ़ी लोग ठंड से बहुत ज़्यादा पीड़ित होते हैं और जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं, कोल्ड की कंडीशन उनमें ज़्यादा आ जाती है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे लोग जिनका नाक ज़्यादातर बंद रहता है, उस कंडीशन को किस तरह से ठीक किया जा सकता है। जो लोग जल्दी जल्दी कोल्ड कोर्जिया, जुकाम इत्यादि से परेशान होते हैं, उनको कपालभाति का अभ्यास करना चाहिए। और कपालभाति भी किस तरह से, आज मैं आपको बताता हूँ। यूँ तो आपको पता ही होगा कि कपालभाति किस तरह से किया जाता है, लेकिन आज मैं आपको एक अलग तरीका बताऊँगा जिसके द्वारा हम अपने नेसल को साफ रख सकते हैं और बार बार होने वाली कोल्ड कोर्जिया से छुटकारा पा सकते हैं। तो जिस तरह से अनुलोम विलोम किया जाता है, वो हमें मुद्रा लेकर सबसे पहले लेफ्ट जो हमारा नोस्ट्रिल है उससे हमें 30 स्ट्रोक्स लगाने हैं। तीसवां स्ट्रोक थोड़ा लंबा रहेगा और हमें बाह्य कुंभक का अभ्यास करना होगा। इसके पश्चात हमें 30 स्ट्रोक्स राइट वाली नोस्ट्रिल से लगाने हैं। तीस स्ट्रोक्स लेफ्ट और राइट नोस्ट्रिल से लगाने के पश्चात हमें 50 स्ट्रोक्स नॉर्मल कपालभाति के करने चाहिए। पचासवां स्ट्रोक थोड़ा लंबा और उसके पश्चात बहिर कुंभक। यदि हो सके तो महाबंध का भी अभ्यास किया जा सकता है। महाबंध की वीडियो के लिए आई बटन पर आप देख सकते हैं। इसके पश्चात सूर्य नमस्कार का अभ्यास हमें अवश्य ही करना चाहिए। सूर्य नमस्कार 2 राउंड से लेकर 12 राउंड तक आप अभ्यास कर सकते हैं। जलनेति का अभ्यास अटमोस्ट इम्पोर्टेंट, जलनेति जरूर करें। नाक बंद होने की कंडीशन में जल नेति को अवॉइड कर सकते हैं, अन्यथा जब आपकी नाक खुल जाती है तब आपको जल नेति का अभ्यास करना ही चाहिए। और प्राणायाम में सूर्य भेदन प्राणायाम, अनुलोम विलोम और उज्जयी, इस सीक्वेंस में हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। 15 से 20 दिन में कैसी भी कंडीशन है, इन क्रियाओं के द्वारा आप लगातार होने वाले कोल्ड कोर्जिया को ठीक कर सकते हैं, बार बार होने वाले जुकाम को ठीक कर सकते हैं। आशा है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए सादर प्रणाम, आरोग्यवान भवतु।